हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग से बहुत ज़रूरी बात करनी है। पिछले कुछ समय में आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, कंट्रोवर्सी देखी, मुझे बदुआएँ दी जाती थी, मुझे गंदे गंदे शब्द कहे जाते थे, मुझे तब भी मैं बर्दाश्त करती थी। मैंने कभी भी किसी को बदुआएँ नहीं दी थी और कभी भी कुछ नहीं कहा था। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा सब कुछ, क्योंकि मैं एक अच्छे घर की और पढ़ी लिखी संस्कारी वाली औरत हूँ। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मुझे इस तरह से बिदवा दे। जी हाँ, दीपा राणा ने मेरे लिए इतनी गलत स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ और उसने अपनी ओरिजिनल आईडी से मुझे इस तरह से कहा है, वो आप देख के ही समझ जाएंगे। और इसने मुझसे ये कहा है कि मेरा पति एक्सीडेंट में मर जाए और हम लोग इस तरह के हो जाए, विधवा हो जाए और मर जाए। स्क्रीनशॉट में लगा रही हूँ, आप लोग अब आप लोग डिसाइड करो कि इस औरत को, दीपा राणा जैसी उल्टा औरत को क्या किया जाए। और इनके जितने भी सब, मैं बता रही हूँ ना, मैं लोग कहते हैं बुरा लगता है ना, कि बुरा लगता है लोगों को कि बदुआ के बदले बदुआ दे दी तो हम उनकी तरह हो गए। लेकिन हम लोग क्या करें, आप लोग डिसाइड करें कि हम क्या करें जब इस तरह की चीज़ें हम लोग को कही जा रही हैं और बिल्कुल कमेंट करके और इस तरह से कहा जा रहा है। आप बताइए हम क्या करें, बदुआ ना दे तो क्या करें। मैं खुद इस तरह से झेल के, अब आज की बात ये इनसे फिर से झेली नहीं जा रही है। इन्होंने इस तरह से हमको कहा है मेरा पति एक्सीडेंट में क्यों मर जाए, तेरा पति मर जाए, तेरे बच्चे मर जाए और मैं बदुआ देती हूँ। माता रानी चाहेगी कि तेरा पति मरे, तेरे बच्चे लेके तू बैठे पागलों की तरह, तू सड़क पे घूमे, जिस तरह यूट्यूब पे तुझको पत्थर मार के इधर से उधर भगाया जाता है, मारा जाता है, पागलों की संज्ञा दी जाती है, उसी तरह सड़क पे तू पागलों की तरह घूमे और तुझे पत्थर मार मार के लोग पागल कह के भगाए। मैं आज बदवा देती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ और सारी चीज़ लगा रही हूँ, फिर आप लोग डिसाइड करें कि क्या किया जाए। ये होती कौन है इस तरह से कहने वाली, और जिस तरह की ये कमीनी औरत है, जिस तरह की दीपा राणा कमीनी औरत है, इसको सपोर्ट करने वाले भी उसी कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि अगर औरत की बात आती है और इस तरह की बदुआ की बात आती है, इसके बाद अगर इसको कोई सपोर्ट करता है तो इसकी कैटेगरी इसी तरह की होगी, इसी तरह की होगी इसकी कैटेगरी। ये होती कौन है हम लोग को कहने वाली, क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है। फेक आईडी से तुम आती हो, एसके की आईडी से, वीके की आईडी से, हमें बता रही हूँ इस तरह की आईडी से ये लोग आती हैं। आकृति की आईडी, दीपा राणा की आईडी सब एक हैं और सारी फेक आईडी हैं, और ये लोग अपनी फेक आईडी से आके हम लोग को इस तरह से हैरस करती हैं, हम लोग को इस तरह से बदवाएँ देती हैं। इनकी औकात, तुम्हारी औकात है, तुम मुझे बदवा दोगी, विधवा बनाओगी, मेरे आदमी का एक्सीडेंट करवाओगी, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात 2% की है। तुमको जूते मारते हैं लोग और तुमको गंदी से गंदी गालियां देते हैं, तुम्हारी औकात वही है। मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आंसू मत गिराना, सुहागिन के आंसू मत गिराना, क्योंकि सुहागिन जो है सती सावित्री अपने पति को सत्यवान को यमराज से छुड़ा के लाई थी। तुम होती कौन हो, तुम हम लोग को बदवाएं दे रही हो, भगवान सारी बदवाएं तुमको पलट के लगे, तुम्हारी जिंदगी नक से बदतर हो जाए। आज एक सुहागिन की बद्दुआ है तुझको, एक सुहागिन की बद्दुआ है, क्योंकि हमने तेरे साथ गलत नहीं किया है। ईश्वर साक्षी है, माता रानी साक्षी है।